फिलहाल में दो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जहां प्रचार चालू हो चुका है, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है, ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बना है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत, मुझे लगता है ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी और एक बार वहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा गठबंधन है और वहां बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए पिछले कई सालों में, लेकिन वहां की जनता, वहां की आवाम भी जमहूरियत में विश्वास रखती है और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 चरण का चुनाव जो होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद वहां पर दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस का जो एक राष्ट्रीय गठबंधन बना है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने हरियाणा में भी कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट दी है, ये इस बात को दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलना जानती है और चल आगे चल भी रही है। बाकी 2 राज्य हैं झारखंड महाराष्ट्र, वहाँ पर भी चुनाव होने हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो दल, वो पार्टी, वो सरकार जो दावा करते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का, वो ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं जहाँ निर्वाचन आयोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ करा सकता है। राजस्थान में अनेक उपचुनाव होने बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने बाकी विधानसभा के, उसकी भी घोषणा अभी तक हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं कथनी करनी में फ़र्क है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस तरह का रवैया सरकार का रहा, सरकार अब बैकफुट पर है, एजेंडा विपक्ष तय कर रहा है, जवाबदेही हम तय कर रहे हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर तमाम मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, जो विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट में उस पर उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो जो बहुमत का घमंड और अहंकार 10 साल था वो जनता ने 4 जून को उतार दिया है। 4 जून के बाद एक नई सच्चाई, नई असलियत देश के सामने आई है और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के आग्रह को स्वीकार किया, नेता प्रतिपक्ष बने हैं और जिस प्रकार वो सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक बदले हुए माहौल को दर्शाता है। और मैंने देखा है जब भी भाजपा बैकफुट पर आती है वो सीधा सीधा राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो उनके ऊपर लांछन लगाना, विरोध करना, ये उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन हमें जनता में पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ पर हम सरकार बनाएंगे और जहाँ विपक्ष में हैं वहाँ पर भी नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिली है, नेताओं को मिली है। और जिन राज्यों में मैं दौरे करता हूँ वहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ एक बदलाव हो रहा है, एक धरातल पर एक एहसास मुझे होता है कि राजनीति बदल रही है लोगों की। आज 10 साल से जो लोग थक चुके हैं, पुराने वादे, वही आश्वासन, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सब लोग दुखी परेशान हैं। जो केंद्र सरकार का बजट भी आप लोगों ने देखा होगा वो भी अपनी सरकार की जो बैसाखियाँ हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को झूठे आश्वासन देकर खुश करने का काम किया है। लाखों करोड़ वो राज्यों को दे रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बिहार के भाइयों से या आंध्र प्रदेश के लोगों से, लेकिन उन दोनों राज्यों को राजनीतिक मजबूरियों के खातिर उनको आश्वासन दिया गया और बाकी तमाम देश के लोगों को महरूम रखा गया। राजस्थान के लोगों ने क्या गलती की थी कि बजट में उनको कुछ नहीं मिला? सिर्फ गलती जनता ने की यहाँ 11 सीट भाजपा को हरा दी, तो इसका उन्होंने बदला लिया एक तरह से। तो इस प्रकार का भेदभाव और पक्षपात जब होता है तो वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, संगठन लगातार काम कर रहा है और आने वाले उपचुनावों के अंदर सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। आज हम खड़े हैं जोधपुर के अंदर, लगातार यहाँ पर जो दुष्कर्म हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से बिखर चुका है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब आज भी मैं देखता हूँ केंद्र सरकार तो मनमोहन सिंह जी को कोसती है कि 10 साल पहले यूपीए सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर डकैती, बलात्कार, दुष्कर्म, तमाम तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने पैर पसार रहे हैं और सरकार नाकाम है। सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, किसी को मालूम नहीं कि कोई मंत्री कैबिनेट में है कि नहीं है, संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है, सरकार में 3 लोग अलग बातें बोलते हैं। तो ये जो बिखराव है बहुत जल्दी हो गया, आमतौर पर 3-4 साल के बाद ये खिंचाव होता है सरकारों के अंदर, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत शुरुआत में ही अलग अलग सत्ता के केंद्र बन गए हैं। उसका नुकसान लोगों को होता है, जो नीति निर्माण होती है, गवर्नेंस होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बिल्कुल ठप पड़ा है, जिनके वर्क ऑर्डर हम देख गए थे उन कामों को भी नहीं करा पा रहे हैं। तो मिसमैनेजमेंट भी है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत जल्द उनका मन उठ चुका है। सर, जिस तरह से विवाद हुआ सर,
आरकेएसपी को भंग करने के लिए आपने कहा था, किरोड़ी मीणा जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो। ये जो लोग बातें करते हैं, कानून की जो बहाने देकर बात करते हैं, पुनर्गठन करने में किसी को क्या आपत्ति है? जब संस्था इतनी खोखली हो चुकी है, उसकी विश्वसनीयता पर इतने सवाल उठ चुके हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, तो जब आम व्यक्ति विश्वास उस संस्था में नहीं है तो संस्था से आप क्या उम्मीद करेंगे? और नए सिरे से अगर उनके उनकी नियुक्तियों के अंदर जो पारदर्शिता वाले मापदंड होने चाहिए वो क्यों नहीं हो सकते हैं? और दोबारा से शुरुआत करके इसका पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर अच्छा शक्ति है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं करना है तो आप बहाने 100 दे सकते हैं, कानूनी अड़चन है, संवैधानिक अड़चन है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन कोई करना चाहे, क्योंकि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी दल को, किसी पार्टी को, किसी नेता को। और जो नियुक्ति के मापदंड होते हैं उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसे बनाए जाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की संभावना खत्म हो जाए। तो आरपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसको जीवित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौजवानों का भविष्य जो है उस पर टिका हुआ है। और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर ही है, और रोजगार आप घोषणा कर रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियों का संकल्प लिया है। संकल्प क्या होता है, घोषणा क्या होती है? आप जो हम लोग नौकरियां देख रहे थे उनके पत्र जारी कर दीजिए। तो इस प्रकार नौजवानों को भी लगता है भाजपा के जो चालें वो समझ में आ रही है। विदेश यात्रा पर है, कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है कि कोर्ट की तरफ से एक था कि विदेश जाए तो आप पूछ के जाए या कोर्ट को बता के जाए। ये कानूनी मामला है, इसमें और कोई देखा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि जो प्रदेश है वो प्राथमिकता होनी चाहिए, और यहाँ का जो निर्वाचित सरकार, कोई भी सरकार हो, वो जनता के वोट से चुनकर आती है। अगर शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, विकास ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नहीं हो रहा है, लोग परेशान। इस बार गर्मी में क्या हल हुआ, पानी बिजली की इतनी किल्लत पहले कभी नहीं देखी, और गर्मी हर साल पड़ती है। तो प्रबंधन की इच्छा शक्ति की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपना प्रभाव रखने की कमी सरकार में मुझे साफ दिखाई दे रही है। मैंने पहले कहा ना, वो अलग अलग बातें अलग अलग बोल रहे हैं, किसी को सच हकीकत पता ही नहीं है, कभी कोई नेता क्या बोलता है, कभी पलट जाते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं, तो असमंजस बना हुआ है पूरी सरकार। बंगाल में जो हालात हो रहे हैं, देखिए ऐसा है, किसी भी दुष्कर्म को हम सबको कठोर शब्दों में उसकी निंदा करनी पड़ेगी, और करते हैं हम लोग, किसी सरकार हो, कोई शासन प्रशासन हो, लेकिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और जिस बर्बरता से किया गया उसको कौन सही मान सकता है? मैं तो कहता हूँ उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है, सीबीआई जांच कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, मिलकर उसका समाधान हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो सभ्य समाज के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी भी देश प्रदेश में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। सर, ऑडियो टेपिंग मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए कई साबित किया है, सर जांच को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप? तो सरकार बताए कि उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया।